दोस्तों जानिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के चौथे चरण डासना से मेरठ के बारे में। लगता है कि अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के उद्घाटन का मुहूर्त आ गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे मेरठ से डासना तक के हिस्से पर 88% काम हो गया है। 30 जनवरी का लक्ष्य पूरा कर लेने का दावा NHI कर रहा है। जल्द ही इसका तोहफा जनता को मिल सकता है। एक्सप्रेसवे की एंट्री प्लेवाइट को छोड़ते तो एक्सप्रेसवे पर काम लगभग फाइनल दौर में पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार 26 जनवरी के बाद मेरठ से दिल्ली का सफर 45 मिनट में पूरा होने लगेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चौथे चरण डासना से मेरठ पर वाहन फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भाजपा के जिला और महानगर पदाधिकारियों के साथ डासना से मेरठ तक एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। 20 गाड़ियों का काफिला डासना से चढ़कर प्रतापपुर पर उतरा। सांसद मेरठ बुलंदसर हाईवे से चलकर सीधे डासना पहुंचे और डासना से मेरठ की ओर चले। गाड़ियों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हालांकि रास्ते में 3 स्थानों पर एक्सप्रेस वे पर सुविधाएं और अन्य जानकारियों के बारे में NHI के प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद कुमार और GR इंफ्रा के प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज बैरवा से बातचीत की। प्रतापपुर इंटरचेंज पर आकर सीधे काफिला मेरठ रुका। रास्ते में लगभग सभी काम पूरा हो चुका है। सिर्फ एक्सप्रेस वे पर फिनिशिंग का काम बचा है, उसे भी अगले 1-2 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर फरवरी में एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करा दिया जाएगा। डासना से आगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के ऊपर से गुजर रहा है। इस हिस्से को ईस्टर्न पेरिफेरल के दूसरे हिस्से जोड़ने के लिए एक हिस्से का कार्य अभी बचा हुआ है, इसे भी जल्द जोड़ने का दावा किया गया है। प्रतापपुर इंटरचेंज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का मुख्य और अंतिम केंद्र है। यहां भी कार्य अंतिम चरण में है। NHI का दावा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ता तक इंटरचेंज को तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि NHI अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन में बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 6 लेन का प्रोजेक्ट है जो लगभग 82.01 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 8,346 करोड़ है। सिविल लागत 4,976 करोड़ है। परियोजनाओं में 5 बड़े और 19 छोटे 3 ROB बनाए गए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कुल 4 चरण में पूरा कराया जा रहा है। प्रथम चरण सराय काले खां से गाजीपुर दिल्ली UP बॉर्डर तक, जिसकी कुल लंबाई 8.72 किलोमीटर है। यह कार्य 28 जून 2018 को पूर्ण कर लिया गया था। दूसरा चरण गाजीपुर दिल्ली UP बॉर्डर से डासना तक, जो 19.28 किलोमीटर का है, लगभग 93% कार्य पूर्ण हो गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। तीसरा चरण डासना से हापुड़ तक है, जिसकी लंबाई 22.23 किलोमीटर है। कार्य 13 सितंबर 2019 को पूर्ण कर लिया गया था। चौथे चरण का कार्य डासना से मेरठ का है। कुल लंबाई 31.78 किलोमीटर है। 88% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। इस तरह दूसरे और चौथे चरण का मिलाकर करीब 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि सड़क के बीच एक्सप्रेस वे पर ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, जिसमें देसी और विदेशी फूलों के बड़ी मात्रा में पौधे तेजी से लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।